नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। हम इस समय मौजूद हैं सिहाबल विधानसभा क्षेत्र में, सिहाबल के लिलबार गांव में, जहां पर हमें सूचना मिली थी कि यहां पर दर्जनों भर लड़कियां नहाने गई थीं, जिसमें से दो लड़कियां डूब गई थीं, जिनका शव आज सुबह 5 बजे बरामद हो गया है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, कब की घटना है, कैसे कैसे पूरी बात वारदात की। सर, घर से निकले थे, मतलब 12 बजे के लगभग घर से निकले नहाने के लिए। तो हम गए थे दूसरे का मतलब काम करने, वहाँ से जैसे आए तब सोचे कि नहाएं वहाँ तो नहाने वहाने की तैयारी करने थे, तैयारी बननी थी। तो वहाँ से पूछे कि लड़के कहाँ गए, लड़की लोग तो कहें कि तो गए नहाने। तो हम कहें नहाने गए तो कहाँ नदी है, कहाँ तो डूब हो न जाए, तो लगे घड़े मतलब हड़काव है। तो फिर मतलब यहाँ जैसे ये बकरी चरा रहे हैं लड़के लोग, तो लड़के लोग हमने मतलब फोन लगाए डेढ़ बजे के लगभग। फिर वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ लगे सगले खोजने, तो यहाँ दांत में सका गई थी, कुछ पत्ते बाड़ी के पते नहीं चले। फिर सुबह रात का हम यहीं रुके थे पूरी रात, फिर सुबह हमको 5 बजे बाड़ी मिल गई थी यहीं पे मिली। घटना की सूचना आपको किसके माध्यम से मिली? ये मतलब मोबाइल के माध्यम से मिली थी। ये जो लड़का है राजू, मतलब इसको मोबाइल में फोन गया था, करण फोन लगाया था कि दो बच्ची डूब रही हैं, ये मतलब तीन की निकाल चुका हूँ, दो का नहीं पता चल रही है। बच्चियाँ किस क्लास में पढ़ती? बच्ची हमारा पढ़ती थी 7वीं और दूसरी पढ़ती थी 5वीं। लगभग इनकी उम्र कितनी थी? उम्र बता रहे हैं 13 साल। 13 साल और दूसरी 11 साल। आपको कुछ आशा उम्मीद है शासन प्रशासन से, आपको कुछ मदद मिलेगा इस घटना में? हाँ, तो हम कार्य सरस्वती से अब तक बच्ची को तो पढ़ा रहे हैं खुद ही, तो जब शासन की मदद मिलेगी तो और ऊपर जा सकते थे। भाई बच्ची पढ़ रही तो ऊपर जाएगी, नीचे तो नहीं आएगी। पुलिस प्रशासन का भी अकथ प्रयास आपके साथ रहा? हाँ, यही बात थी सर। थे घटना कल दोपहर 12 बजे, बच्चियाँ अपने घर से निकली, 5 बच्चियाँ थी, एक बच्चा था उसमें, 4 बच्चियाँ थी, यहाँ आके नहा रहे थे किनारे में। एक बच्ची नहा रही थी, उसका दुपट्टा नदी में बहा, वो अपना दुपट्टा पकड़ने के लिए बढ़ी आगे, वो डूब गई, डूबने लगी। दूसरी बच्ची उसको बचाने के लिए दौड़ी, वो भी डूब गई। इसके बाद बड़ी बच्ची एक और थी, उसने 2 बच्चों को पीछे किया और दोनों बच्चियां डूब गई जल समाधि। कितने बजे की घटना है? ये घर से 12 बजे निकले, 2:30 बजे की घटना है। यहाँ 2:30 बजे घर वालों को सूचना मिली, 2:30 के बीच में, कि 2 बच्चियाँ डूब गई हैं, आप सब चलें नदी में। आप लोगों को कैसे पता चला ये घटना के बारे में? ये हम लोगों को पता चला, फ़ोन के माध्यम से बताया गया, थाना प्रभारी फ़ोन लगाए थे, आपके गांव में घटना घट गई है, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग फटाफट सब लोग 3:30 बजे यहाँ पहुँच गए। रेस्क्यू टीम हमारे गांव के जो नदी में तैरते हैं बच्चे सब, 20 आदमी कूदे, हम लोग भी साथ में कूदे। काफ़ी मशक्क़त के बाद 2-3 घंटे हम लोग, जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक लगे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच रेस्क्यू टीम भी आई, NDRF की टीम कितने बजे? हाँ, NDRF टीम 5:30 बजे, उनको आधा घंटा अपना तैयारी में लग गया। तैयारी के बाद अपना नाव उतारे, 2-4 चक्कर नदी में लिए, और इसके बाद अंधेरा हो गया और बच्चियाँ नहीं मिल पाई। आज सुबह बच्चियाँ अपने आप ऊपर आ गई, ऊपर आके नदी के किनारे। परिजन NDRF की टीम आ गई थी, उनके आने के पहले बच्चियाँ मिल गई थी। उनके परिजन रात भर यहाँ बैठे थे, ताक रहे थे कि ऊपर आएँ, कब जैसे ऊपर आए तो पकड़ के बाहर निकाल जाए। आपका नाम और पद? मैं रमेश पटेल हूँ, विधायक प्रतिनिधि, जनपद सदस्य प्रतिनिधि यहाँ का हूँ। Thank you.
लोटा।